देखो आज हम आपसे बात करेंगे सर्दी की। इस समय कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी। सर्दी में आप सब क्या पहन के आए हो? गर्म कपड़े, बुलांस, स्वेटर। देखो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अंग्रेजी महीने भी 12 होते हैं और हिंदी महीने भी 12 होते हैं। इनमें 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी और 4 महीने वर्षा, ये 12 महीनों का क्रम है। और इसमें क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, दो दो महीने बहुत तेज सर्दी, बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज बरसात होती है। अब जैसे इस समय दिसंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी खूब सर्दी पड़ेगी, और मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, और जुलाई अगस्त में बरसात होती है, खूब तेज बरसात होती है। तो अब चल रहा है सर्दी का मौसम। बेटा सीधे बैठो। अब इस सर्दी में ये जो महीना है दिसंबर का और जनवरी का, दिसंबर जाने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। हाँ, तो देखो हमें क्या करना है, हम जो बात बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है। सर्दी में बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है ना, बीमार हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, सुई लग जाती है, बहुत कड़ी दवाइयां पीनी पड़ती हैं। तो अभी हमें क्या करना, देखो सर्दी के दिनों में पहले तो स्वेटर वेटर पहन के रहना, अक्षिमा स्वेटर वेटर पहन के रहना, कैप लगा के रखनी है, मोजे पहन के रखने, नंगे पैर नहीं घूमने। और अब इस समय खूब तेज हवा चलने लगी है, तो हवा जब चलती है तो ठंड लगती है कानों में से। हाँ, तो जब आप घर से बाहर निकले तब आप कानों में कैप लगा के निकले, या हाँ एयरफोन्स लगा ले, जो बिल्कुल फोम के बने होते हैं, और वो ऐसे कानों को बंद, हाँ मफलर बांध सकते हैं, जो कानों से लपेट लिया और ऐसे करके बांध दिया जब बाहर निकलेंगे तब। और घर में अंदर है तो कोई बात नहीं, पैर में मोजे पहने रहने, पैरों से ठंड चढ़ती है। दूसरी बात, आइसक्रीम नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, नहीं जूस पी सकते हो लेकिन ठंडा वाला नहीं, नॉर्मल वाला फ्रिज में से निकाल के अलग रख लो और जब वो नॉर्मल हो जाए तब पी लो। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट समझते हो, बादाम, काजू, अखरोट, मेवा, ये चीजें जो है शरीर को गर्म रखती है। अच्छा अच्छा, और जुकाम हो गया, अच्छा, और उसके साथ में जो लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते उनके लिए सबसे अच्छी है मूंगफली। जाड़ों में मूंगफली और रोटी पट्टी आती है मूंगफली वाली, बहुत फायदा देती है। तो जो लोग मेवा नहीं खाते वो मूंगफली खा सकते हैं। गरम गरम दूध पियो, कॉफी पियो, चाय पीते हो चाय पियो, हल्दी वाला दूध पियो, ऐसे अपनी सेहत को अच्छी तरह रखना है। और च्यवनप्राश भी बहुत अच्छी चीज, और हैंड वॉश, हर चीज खाने से पहले हैंड वॉश करना है। और अब फिर से चूंकि जगह जगह कोविड फैलने लगा है, ओमिक्रॉन, यस उसको पता है, देखो तो इससे क्या होता है, फिर से दोबारा से बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए आप सबको देखो ये मास्क लगा के आया है बच्चा, जब कहीं गैदरिंग में जाओ हाँ तो मास्क लगा जाओ, और हैंड वॉश बहुत जरूरी है। किसी को भी आप कोई भी चीज छूते हो, हाँ जी हाँ, कोई भी चीज जब आप छूते हो, जब आप कोई भी चीज छूते हो तो उसमें जम्स लगे होते हैं, वो आपके हाथ में लग जाते हैं। अब आपने नाक में उंगली डाल ली और पता लगा गंदगी नाक के हाथ में आ गई, और आपने फिर उसी चीज से उठा के कोई भी चीज खा ली, तो ऐसा नहीं करना। और अभी देखो हम तुम्हें एक बात बताते हैं, उधर मत देखो, एक बात बताते हैं सबको, बोलना नाक में उंगली, बोलो नाक में उंगली, कान में तिनका, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, मत कर मत कर मत कर, नाक में उंगली, नाक में उंगली, कान में तिनका, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, आँख में अंजन, आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, नित कर नित कर नित कर, इसका मतलब नाक उंगली नहीं डालनी चाहिए, कान में सलाई नहीं डालनी चाहिए, और आँख में काजल लगाना चाहिए, और ब्रश रोज करना चाहिए, नित मतलब रोज। हाँ, तो हम भी तुम्हारे बाबा की तरह है ना, हम तुम्हारी अम्मा है तो हम तुम्हें ऐसे सुना रहे, तो समझ में आया। हम सफाई रखेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, कैप लगाएंगे, मफलर लगाएंगे, शूज सॉक्स पहनेंगे, और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, और हैंड वॉश करेंगे, सफाई से रहेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू।